हमने ये प्लेटफॉर्म कोविड में, जब लॉकडाउन में बनाया, हम लॉकडाउन में बहुत आर्ट करते थे, तो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया क्योंकि हम ऑनलाइन गए और हमने देखा कि बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए इतने इतने म्यूजियम्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, पर बच्चों के लिए कोई भी ऐसा म्यूजियम नहीं है जो बच्चे अपनी आर्ट पोस्ट कर सकें और बच्चे अपनी कला दुनिया को दिखा सकें। तो क्या कैसे बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म में? कितने साल तक के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं? तो बस इस प्लेटफॉर्म में हिस्सा लेने के लिए बस एक बार साइन अप करना है, कोई फीस कुछ नहीं है, एकदम फ्री। और बच्चे 2 से 18 साल के बच्चे अपनी आर्ट पोस्ट कर सकते हैं। और अब हमारे पास कैमी की वेबसाइट पे 10,000 और कैमी के रोबलॉक्स के गेम पर 50,000, अब 40,000 बच्चे अब आ गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, बच्चे इस म्यूजियम का हिस्सा क्यों बने, आपके साथ क्यों जुड़े, अगर ये भी बताइए। हमारा म्यूजियम बच्चों को एक आवाज़ देता है और अपनी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक माध्यम देता है और एक मंच देता है बच्चों को। हमें कैमी में बच्चों की बहुत मदद करनी है और इसलिए हमने कैमी में एक फीचर करा हुआ है जहां आप बच्चों की पेंटिंग्स नहीं खरीद सकते हैं, पर आप उनको कमीशन भी कर सकते हैं ताकि वो आपकी या आपकी कोई फैमिली मेम्बर की भी पेंटिंग बना दें। तो इसलिए बच्चे अपनी घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिचुएशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी मम्मी पापा की मदद कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और कैमी ने एक नया गेम लॉन्च किया है रोब्लॉक्स पर 1 महीने पहले, और 1 महीने में ही 40,000 बच्चे रोब्लॉक्स के गेम पर ज्वाइन करे हुए हैं। इस गेम का थीम पूरे भारत के ऊपर है, भारत की राष्ट्र पक्षी और भारत के राष्ट्र पुष्प इस गेम के थीम है। और जो इंटरेक्शन आप वेबसाइट पे मिस करते हैं और वो ही इंटरेक्शन आपको उस गेम में मिलती है और उस स्पेस से मिलती है। तो मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो कैमी से जुड़े और कैमी का एक हिस्सा बन जाएं ताकि वो दुनिया को अपनी आर्ट दिखा सकें और अपनी आर्ट एक्सप्रेस और अपने खुद को एक्सप्रेस कर सकें। मुझे बचपन से आर्ट का बहुत शौक है और मैं और मेरे भाई कोविड के स्पेशली टाइम में हमने बहुत आर्ट किया। और जब हमने देखा कि बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ हम अपना आर्ट दिखा सकते हैं सब लोग को, म्यूज़ियम तो बहुत सारे हैं लेकिन वो सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए है और कोई बच्चों की जगह नहीं है, इसलिए हमें इंस्पिरेशन मिली इससे कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर सिर्फ बच्चे अपना कला दिखा सकते हैं और अपनी आर्ट वर्क को सबमिट कर सकते हैं। तो ये इंडिया का पहले चिल्ड्रंस म्यूजियम है जहाँ पर सिर्फ बच्चों का आर्ट दिखाया जा रहा है। हमारे मंथली चैलेंजेस भी होते हैं जहाँ पर एक थीम, सोशल थीम दिया जाता है और उसके ऊपर बच्चे आर्ट वर्क बनाते हैं और सबमिट करते हैं। और एक और फीचर है आर्टिस्ट ऑफ द मंथ, वो बहुत प्रसिद्ध फीचर है जहाँ पर एक पैनल है आर्टिस्ट का जो, और वो सबसे बेस्ट आर्ट वर्क उस महीने का चुनते हैं और उन बच्चों को सारी एज कैटेगरी में उनको प्राइज जाता है, सर्टिफिकेट जाता है और उनको कैमी का किट भी मिलता है। क्या कुछ प्राइज होते हैं इसमें? हाँ, जैसे मैंने बोला मंथली चैलेंज और आर्टिस्ट ऑफ द मंथ के लिए जो भी बेस्ट आर्टिस्ट और बेस्ट आर्टवर्क होता है उसके लिए एक सर्टिफिकेट फिजिकली और एक प्राइज जाता है और उनको एक कैमी का किट भी मिलता है। प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेंट की फीस क्या कुछ होती है? ये प्लेटफॉर्म पूरा फ्री है, बल्कि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ने हमें रीच आउट भी किया है और उन्हें पूछा कि अगर वो अपना आर्ट हमारे साइट पर बेच भी सकते हैं। और अब हमारे पास इस फीडबैक से हमारे पास 2 फीचर आए हैं, एक जहाँ पर बच्चों अपने आर्ट को सेल कर सकते हैं और एक कनेक्ट विद आर्टिस्ट जहाँ वो अपने आर्ट का कमीशन भी कर सकते हैं। आप